प्यार आधा निभा के देख ली हा, प्यार आधा निभा के देख ली हा, दर्द में मुस्कुरा के दे आरा के लिए और बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि सामने आने वाली है। हम बताने जा रहे हैं भोजपुरी के गाना को लेकर के सिंगापुर में होने वाले एक कार्यक्रम में भोजपुरी गाना के मिठास को बिखेरा जाने वाला है। आरा के रहने वाले गायक हैं साहिल कौशिक, जिनको सिंगापुर से बुलाहट आया है और 31 अगस्त को वहाँ पर होने वाले मिठास कार्यक्रम में भोजपुरी की मिठास को वहाँ पर जलवा बिखेरेंगे साहिल कौशिक। साहिल कौशिक आरा के एक प्रसिद्ध गायक हैं। म्यूजिक मंत्रा नाम से एक बैंड ये लोग चलाते हैं और उस बैंड में अहम किरदार साहिल कौशिक निभाते हैं। अपने तरीक़े से गाना को लिखना, अपने तरीक़े से गाना को गाना, कंपोज करना इनका काम है। इस गाने को जो YouTube और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये डालते हैं और लाइक्स और व्यूज़ को बटोरते हैं, काफ़ी प्रसिद्धि बटोर चुके हैं, तभी सिंगापुर से इनकी बुलाहट भी आई है। हम जानते हैं साहिल कौशिक से इनके लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बताऊं कि मैं भोजपुरी मिठास जो कार्यक्रम हो रहा है सिंगापुर में, ये यहाँ के ही लोग रहते हैं जो बिहार से रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं वहाँ पर, भोजपुरी भाषा से और गीतों से उनको प्रेम है, इसलिए ये कार्यक्रम वो हर साल कराते रहते हैं। ये 8वां चरण है। इस साल फिर से भैया लोग मुझे ये बुलाया है, उन्होंने मौका दिया फिर से, तो इस साल तो जाना है, वहाँ से प्रेम बटोरना है। देखिए, कोरोना काल से पहले एक गाना मेरा चला था भोजपुरी में, गज़ल प्यार आधा निभा के देख लिया, तो ये गीत पहुँचा था वहाँ सिंगापुर में, बहुत लोगों का प्यार मिला वहाँ पर, उस गीत के वजह से वहाँ जान पहचान हुआ। वहाँ नीरज भैया, रत्नेश भैया, सौरभ भैया और भी बहुत लोग भैया हैं वहाँ पे, उनके जान पहचान में गाना आया, उसके बाद ये प्रेम बढ़ा उनका। हम चाहते हैं जिस गाना के लिए आपको बुलाया जाए, वो गाना आप हमारे ऊपर एक्सप्लेन। जी बिल्कुल। ये गीत जो है, ये भैया कुंदन सिंह जो लिखे हैं, ये गज़ल है, बहुत प्यारा गज़ल है। प्यार आधा निभा के देख ली हा, प्यार आधा निभा के देख ली हा, दर्द में लोर कितना बहल बक्का बोली, लोर कितना बहल बक्का बोली, लोर कितना बहल बक्का बोली, यार तकिया उठा के देख लिया, दर्द में मुस्कुरा के देख लिया, प्यार आधा निभा के देख लिया। भोजपुरी के लिए उपलब्धि है सिंगापुर में स्टेज शो करना, वहाँ पर भोजपुरी गाना को रखना, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जहाँ हम अपने देश में जो चीज़ बहुत कम हो रहा है, ये विदेश में होने वाला है, इसके लिए बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए हम आरा रहते हैं, आरा में भोजपुरी गाते हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो भोजपुरी में लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, और यही चीज़ सेम दूसरे देश में कोई सुनना चाह रहा और अच्छा गीत सुनना चाह रहा है, ये बड़ी बात है भोजपुरी के लिए। हमारी तो ये कोशिश है, हम तो थोड़ा बहुत कर्म है मेरे भोजपुरी के लिए, सीख रहा हूँ अभी, तो जो भी मेरे तरफ से योगदान है भोजपुरी के लिए, मेरा तो कुछ है नहीं भोजपुरी के वजह से हम हैं, पर उन्होंने बुलाया है तो भोजपुरी के लिए कुछ करने के लिए अवसर मिला है। जाना तो वैसे 29 को फ्लाइट है दिल्ली से, प्रोग्राम तो 31 अगस्त को है, लेकिन वहाँ 29 से
5 सितंबर तक वहाँ रुकना है। तो ये साहिल कौशिक है जिनसे आपको हम रूबरू कराए हैं, इनके गाने के माध्यम से भी आपको रूबरू कराए हैं, बाकी जो बातचीत है वो भी आपने सुना है कि कैसे सिंगापुर में एक भोजपुरी के को सम्मान देने वाले, भोजपुरी को इज्जत देने वाले गायक को तरजीह दिया जा रहा है। ये उतने बड़े भी गायक नहीं है कि सिंगापुर से उनको इनको बुलाहट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी का जो सम्मान इनके प्रति है दिल में, और जो भोजपुरी से लगाव है, प्योर भोजपुरी गाने को ये गाते हैं, असली मुक्त भोजपुरी को गाते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइक और व्यूज़ के लिए, क्योंकि हमारे समाज में अश्लीलता को अहमियत ज़्यादा दी जाती है। और साहिल कौशिक के जैसे जो गायक हैं जो प्योर भोजपुरी गाते हैं, सम्मान के साथ गाते हैं, इनको लोग सुनना और देखना कम पसंद करते हैं, उसके बावजूद भी ये अपने गाने के तरीका पर अडिग हैं, और यही वजह है कि सिंगापुर जैसे देश में भोजपुरी गाने के लिए साहिल कौशिक को इन्वाइट किया गया है। आगामी 31 अगस्त को इनका प्रोग्राम वहाँ पर मिठास कार्यक्रम के नाम से होने जा रहा है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।